सोलन के जाने माने व्यापारी की कार पर हमला करने वाले दो दहशतगर्दों को पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद परमाणु से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। आपको बता दें कि पिछले कल संजय मित्तल की कार पर कुछ अनजान लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया था और हमला करने के बाद वे मौके से भागने में भी कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और उनका लगातार पीछा किया और उन्हें दर दबोचा। सोलन के जाने माने व्यापारी की कार पर हमला करने वाले दो दहशतगर्दों को पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद परमाणु से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि पिछले कल संजय मित्तल की कार पर कुछ अनजान लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया था और हमला करने के बाद वे मौके से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और उनका लगातार पीछा किया। चंडीगढ़ जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई, परिणाम स्वरूप दोनों दहशतगर्द इससे पहले कि हिमाचल की सीमा लांघते पुलिस ने उन्हें दर दबोचा। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सोलन में व्यवसायी की कार पर दो व्यक्तियों ने हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए। इन दोनों को TTR के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये दोनों दहशतगर्द हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति सुखदीप है जो हिसार का रहने वाला है, वहीं दूसरा हमलावर गुरमीत जो जींद का रहने वाला है। ये दोनों सफेद रंग की कार से भागने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा है ताकि दोनों हमलावरों से ये पता चल सके कि आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह रही और इन्होंने किस उद्देश्य से ये हमला किया। पुलिस ये जानने का भी प्रयास कर रही है कि आखिर इस घटना को उन्होंने किसी के कहने पर अंजाम दिया या किसी साजिश के तहत ये हमला किया गया। पिछले कल लगभग 3 बजे हमें सूचना मिली थी कि कोई इंसिडेंस जो है ऐसे ऐसे सप्रून में हुआ है और वहां पे पुलिस की टीम भेजे हैं, तो इसकी टीम तुरंत वहां पे चली गई थी। DSP हेडक्वार्टर ने भी मौके का मुआयना किया था। इस पे वहां पे मिस्टर गीतेश कायत हैं, उन्होंने हमारे पास बयान दर्ज करवाया है कि जब वो ड्राइवरी का काम करते हैं और अपने जो उनके ओनर हैं उनके सदस्य हैं उनकी शायद डॉटर इन लॉ हैं उनको लेके, इनका नाम मिसेस अमिता मित्तल है, इनको लेके जब गाड़ी में जा रहे थे तो एक व्हाइट कलर की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को रोका और उन पे जो है अमिता मित्तल जिस साइड बैठे थे उस साइड कुल्हाड़ी से शीशे पे वार किया। तो इस पे पुलिस ने 341, 427, 307 और 34 IPC के तहत केस दर्ज किया है मिस्टर गीतेश कायत की स्टेटमेंट पे और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें नाकाबंदी कर दी गई थी जिले में और एक व्हाइट कलर की जो गाड़ी है HR अप्लाइड फॉर नंबर है उसका, उसको TTR में डिटेन किया गया और उसमें जो दो व्यक्ति थे उनको इस केस में गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुखदीप जो कि हिसार का रहने वाला है और दूसरा मिस्टर गुरमीत जो कि जिंद हरियाणा का रहने वाला है। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है केस में चल रही है। सर नहीं देखिए, इसमें इस स्टेज पे तो डिस्क्लोज करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें हर एंगल पे हमारी जान वो जो पूछताछ है और इन्वेस्टिगेशन है वो चली हुई है और जो भी इसमें अभी ये इट इज प्री मैच्योर टू से कि पिछले वाले इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं या नया इंसिडेंट है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीजें सामने आएंगी।